तो डोंगयांग ने अपनी पावर से सबको अपने घुटनों में ला रखा होता है। जीरो इससे गुस्से में आ जाता है और खुद की पावर अनलीश कर देता है और ये दूर उड़ के चले जाता है यहाँ से और खुद ही घुटनों में आ जाता है और इसके मुँह से खून निकलने लगता है। और अब ये कहता है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। ज़ीरो बोलता है, अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं फिर। अब ये मन में कहता है, मैं तो इसे बस वार्निंग देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये बंदा जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जाते वक्त अब शीशान बोलता है, ऐसा लगता है कि मिस डोंग खतरे में। यान कहता है, वो डोंग ओयांग क्लैन के बारे में भी बात कर रहे थे। ज़ीरो कहता है, हमें इस चीज़ पर नज़र रखनी होगी। और शीशान को पता लगाने के लिए बोलता है कि चल कह रहा है। अब ज़ीरो को इसकी बहन का कॉल आता है और ये बताती है कि डॉगी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो इसे घर ले जाओ। तभी यह डॉक्टर अंदर आता है और एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। ये कहती है, अब ये पढ़ और समझ सकता है। और यहाँ यह डॉगी पढ़ रहा होता है एक बुक। ये डॉक्टर पूछता है, क्या कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस आए? ये बोलती है, सभी इंडिकेटर्स नॉर्मल लेवल पे हैं और कोई रिजेक्शन सिम्टम भी नहीं थे। और ये डॉक्टर इसकी तारीफ करता है। अब ये कहती है, अब बस क्लिनिकल ट्रायल्स बचे हैं। और ये डॉक्टर कहता है, तो फिर अपनी रिसर्च पे और मेहनत करते हैं। तभी यहाँ वही बंदा आ जाता है जो ज़ीरो की बहन को अपने साथ काम करने को कह रहा था स्टार्टिंग में। ये बोलती है, एक और कन्फेशन, निकल जाओ यहाँ से, मेरे पे इन सब के लिए टाइम नहीं है। ये बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए बोलने आया हूँ। इस लैब के स्पॉन्सर डोंग और ओयांग क्लैंस है, लेकिन वो दोनों कुछ साजिश कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ खतरा है। ये अब सोचने लगती है और कहती है, न्यू चेयरमैन डोंगयांग है, अब वो दोनों एक साथ कुछ कर रहे हैं तो मुझे डॉक्टर क्यून को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये बंदा कहता है, अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। ये कहती है, मैं कोई कायर नहीं हूँ जो अपने साथियों को पीछे छोड़ दूँ। बताने के लिए थैंक्स, मैं ध्यान रखूँगी। अब ये किसी को कॉल करता है और कहता है, हेवन स्क्वाड को बुलाओ लिन वान को मेरे घर पे सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में ज़ीरो जान के साथ जा रहा होता है, तभी कुछ नोटिस करता है ये और भागते हुए जाता है और एक लड़की को पकड़ लेता है और फिर कहता है, तुम प्रोफेसर क्विन की फैसिलिटी में नज़र क्यों रख रही थी? जान चैन, टाइम आ गया है तुम्हारे सीक्रेट वेपन को यूज़ करने का। और जान कहता है, तो फिर चलो इस लड़की को प्योरीफाई कर दें। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग ऊपर होते हैं एक बिल्डिंग के और कहते हैं, 001 आई क्यों नहीं अभी तक? ज़ीरो तभी कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? ये बोलता है, तुमने इसके साथ क्या करा? ज़ीरो बोलता है, मेरा भी यही क्वेश्चन है, तुम कर क्या रहे हो? और इन सबको मार देता है। जान को इस बंदे के कपड़े में से एक मेडालियन मिलता है, 8 ग्रेट क्लैंस में से एक का, जो कि लॉन्ग क्लैन का होता है। ज़ीरो को लॉन्ग वेनफेंग के बारे में याद आ जाता है एकदम से और बोलता है, मुझे समझ आ गया, वो कमीना मेरी बहन के पीछे पड़ा है अभी भी, उसे अब समझाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में वेनफेंग को कॉल आता है और इसे पता चलता है कि हेवन स्क्वाड हार चुकी है। ये बोलता है, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दो। और फिर मन में कहता है, हेवन स्क्वाड ए रैंकर्स की स्क्वाड है, फिर भी वो हार गए और अपनी मेमोरी भी खो दी। सिर्फ एक ही है जो ये करने के काबिल है, डोंगयांग। मैं तुम्हें लिन बान को हर्ट नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में ज़ीरो पहुंचता है अपनी बहन के पास और यहाँ आके इसे एक लॉकेट पहना देता है और कहता है, अगर कभी किसी खतरे में हो तो इस बटन को दबा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँगा। ये ज़ीरो से कुछ बोलने जा रही होती है फिर लेकिन रुक जाती है और मन में कहती है, मैं इसे इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती। और इसे डॉग को ले जाने को कहते हैं यहाँ से। और ज़ीरो जान से कहता है, चलो इसे तुम्हारे घर ले चलें, तुम तो वैसे भी काफ़ी अमीर हो ना। जान कहता है, मेरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और फिर ये बातें करते हुए चले जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सीन में शीशान हांडोंग पे नज़र रख रहा होता है, तभी एक कार आती है। शीशान ज़ीरो को इन्फॉर्म कर देता है इसके बारे में। अब इस कार में से एक बंदा निकलता है। हांडोंग कहती है, आने के लिए शुक्रिया यंग मास्टर ओयांग। ये कहता है, मेरे पे और कोई चॉइस ही नहीं थी, अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम कौन सी मुसीबत खड़ी कर देती। सही कहा ना मेरी फ्यूचर वाइफ, हांडोंग इसका हाथ हटा के कहती है, चलो चले। ये कहता है, ओयांग रियो को ठिकाने लगाने का थैंक्स। हांडोंग बोलती है, डिस्कस्टिंग है तुम्हारा क्लैन। ये सुनकर ये गुस्से में इसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर उस बुढ़े ने तुम्हें शादी से पहले छूने के लिए मना नहीं करा होता तो तुम्हारे मुँह में अभी कुछ और ही डाल रहा होता। हांडोंग कहती है, अगर मुझे इतना ही हेट करते हो तो मार क्यों नहीं देते? ये बोलता है, ना ना ना, मैं तो हमारी हैप्पी लाइफ जीने के लिए बेकरार हूँ। तो फिर चलो चलते हैं। तभी मसल अलाइंस आ जाते हैं इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इस बंदे के ये रोबोट सामने आ जाते हैं। अब ये कहता है, चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं हूँ ओयांग ज़ी हाओ और मैं मिस डोंग का फियांसे हूँ।
हांडोंग इन्हें रुकने को कहती है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। हांडोंग कहती है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्या इतना काफ़ी है? मसल अलायंस कहते हैं, हम फिर भी नहीं जाने देंगे तुम्हें, चाहे तुम कुछ भी बोलो, और अटैक करने लगते हैं। लेकिन ये रोबोट्स इन्हें मार देते हैं और मसल अलायंस इनके सामने टिक ही नहीं पाते। जी हाओ हांडोंग को कार के अंदर ले जाता है और कहता है, अब ये लोग मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से। हांडोंग इसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन ये रोबोट्स इन्हें मारते ही जाते हैं। हांडोंग अब इसे मारने का ट्राई करती है और तभी बाहर से एक गोली आती है, लेकिन जी हाओ इसे अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है और इस गोली को वापस शूट कर देता है, जो कि शीशान ने करी होती है, और जाके सीधे उसको लगती है और वो नीचे गिर जाता है पेड़ से। और अभी अपने हाथ से ही कार में बैठे बैठे शीशान पे अटैक कर देता है और हांडोंग को भी मारता है। हांडोंग कहती है, इन्हें जाने दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अगर इन्हें छोड़ दोगे तो। ये कहता है, याद रखना, ये तुमने ही कहा, चलो लोकेशन चेंज करें, मैं वैसे भी बोर हो रहा था। और ये हांडोंग को लेके यहाँ से चले जाता है। यहाँ शीशान नीचे पड़ा होता है और ये रोबोट अब इसके पास आ जाते हैं और इन्हें ऑर्डर मिल जाता है सभी टारगेट्स को मार देने का, और ये शीशान को मारने जा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।